हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे कि एम्स ने जो चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है, तो आप सभी को चॉइस फिल करना होगा। इसमें फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉमनली आप सभी के क्या सवाल है और उन सभी सवालों के क्या जवाब एम्स ने दिए हैं। तो उन जवाबों को मैं आपके सामने रखूंगा और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको जो है पूरी तरह से आपको समझ में आए, और देखते हैं क्या है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड क्या है उनके आंसर। अगर आप वीडियो में हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। हु कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस? कौन अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस के लिए? ओनली कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग द अलॉट रिलैक्सेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस, और जो भी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, फॉर फोर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड एम्स नॉर्सेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी कि जो भी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, जो भी एलिजिबल हैं, मतलब जिन्होंने नॉर्सेट में क्वालिफाई किया है चाहे कोई सी भी रैंक हो, वह सभी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन? किस तरह से एक कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन सीट एलोकेशन के लिए? द क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन। इसका आंसर है कि उनको जो है अपने अपने जो क्रेडेंशियल्स को लेकर के लॉग इन करना पड़ेगा। द लिंक फॉर द पोर्टल ऑफ अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन वेरियस एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट दिल्ली विल बी एक्टिवेटेड ओनली फॉर क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स इन माई पेज। ठीक है, माई पेज में जो है जो भी क्वालिफाइड और एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनके लिए ये जो प्रोसेस है सीट एलोकेशन का वो चालू कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स? क्या एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर सकता है? यस, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एज मेनी एज इंस्टीट्यूट एज दे विश टू अप्लाई सब्जेक्ट टू दियर एलिजिबिलिटी फॉर द इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल। ठीक है, आप कितने भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। और सवाल है आपके, कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर ऑल एम्स एंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल? क्या एक ही कैंडिडेट एम्स के लिए और चार सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है? यस, हाँ, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ऑल एम्स एंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इफ फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेम। ठीक है, अगर आप क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ अलोकेशन विल बी एप्लीकेबल एज बाय फील्ड बाय कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ओनली वन इंस्टीट्यूट विल बी एलोकेटेड आउट ऑफ फील्ड चॉइसेस एज एप्लीकेबल। ठीक है, जो भी आप चॉइसेस भरेंगे उनमें से सिर्फ एक ही पोस्ट, एक ही जो जगह पर है आपको ऑफर दिया जाएगा ज्वाइन करने का। नेक्स्ट देखते हैं, कैन अ कैंडिडेट बी अलाउड टू चेंज चॉइसेस और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और एड न्यू चॉइसेस ऑफ एम्स और वेयर नॉट अप्लाइड इन स्टेज वन एंड एट लेटर स्टेज और सब्सिक्वेंट राउंड। यानी कि आपने पहले तो कुछ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ मान लो आपने फर्स्ट में भोपाल चुन लिया, फिर जोधपुर चुन लिया, फिर ऋषिकेश चुन लिया, तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि नहीं मैं तो अभी भोपाल पर रहा हूँ लेकिन बाद में मैं वापस ऋषिकेश को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलाना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, एम्स ने साफ साफ मना कर दिया है ऐसा करने के लिए। एक बार भरने के बाद कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से भरना है, आपकी प्रायोरिटीज रैंक अच्छी है तो आप अच्छी जगह भरें, जहाँ पे आप चाहते हैं वहीं मिल जाएगा, और रैंक थोड़ी कम है तो आप सारे हॉस्पिटल भरें, मेरे अगर आप एडवाइस लेना चाहें तो। कैन अ कैंडिडेट बी अलोकेटेड सीट इन बोथ एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल? क्या एक ही कैंडिडेट को एम्स के अंदर भी और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर दोनों की जगह सीट अलोकेट कर दी जा सकती है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। अ कैंडिडेट विल बी अलोकेटेड सीट ओनली वन इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन मेरिट और प्रिंसिपल प्रेफरेंस फील्ड बाई ऑनलाइन सीट अलोकेशन। ठीक है, आपकी प्रेफरेंस के आधार पर वहाँ पे दोस्तों आपको जो है सीट अलोकेट की जाएगी और सिर्फ एक जगह पर आपको सीट मिलेगी, ना कि सारी जगह। ओके, वेदर अ कैंडिडेट बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन वेयर और ही और शी हैज़ नॉट फील्ड प्रेफरेंस? क्या कैंडिडेट को सीट एलोकेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा अगर उसने प्रेफरेंस नहीं भरी है तो? तो इसका भी जवाब है नहीं। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन वेयर दे हैव फील्ड चॉइस और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। नो कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड इंस्टीट्यूट वेयर दे हैव नॉट फील्ड चॉइस और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जब आप नहीं भरेंगे तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर कोई भी एम्स नहीं मिलेगा, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना हो। वॉट इज ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू? ऑप्शन वन और ऑप्शन टू क्या है ये देख लेते हैं। ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू आर सब्जेक्ट टू अदर क्राइटेरिया एज पब्लिश्ड इन इंफॉर्मेशन ब्रोशर, हाउ एवर इन जनरल इट मीन्स एज फॉलोज। क्या इनका मतलब है हम देख लेते हैं। ऑप्शन वन का मतलब है एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन एट अलोकेटेड इंस्टीट्यूट एंड डू वॉन्ट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एंड डू नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ। ये अभी की बात नहीं है, बात की बात है, चाहे
शायद अभी भी ये चॉइस करवा ले, लेकिन वो बात की बात है कि जब जैसे ही आपको अलोकेट हो जाएगा इंस्टीट्यूट, उसके बाद अगर आप ऑप्शन वन चूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, और ऑप्शन टू चूज़ करते हैं तो आप सब्सिक्वेंट राउंड जो होंगे अलोकेशन के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ऑफर जो है किया जा सकता है, यानी आप वहाँ ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। कैंडिडेट हु हैज सेलेक्टेड ऑप्शन टू शेल ऑल्सो कम्प्लीट अदर प्रोसेसेज एज रिक्वायर्ड बट विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन ऑन अलोकेटेड इंस्टीट्यूट टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उनको दूसरे जो है दूसरी जगह पे समय दिया जाएगा, तब तक उससे पहले वहाँ तक ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जहाँ पे उनको सिलेक्शन मिला है। कैंडिडेट हु हैव चूजन ऑप्शन टू शुड नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन एज दे मे बी अलॉटेड अनदर एम्स ड्यूरिंग फर्दर राउंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट अलोकेशन। ठीक है, उनको ज्वाइन नहीं करना दिया जाएगा क्योंकि हो सकता है दूसरा एम्स उनको मिल जाए। व्हाट इज द टाइम वैलिडिटी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड बाय कैंडिडेट फॉर द पर्पज ऑफ नॉट से 2021। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन है आपका, और इसमें हम देख लेते हैं वैलिडिटी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज फॉलोज। ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है शुड बी इशूड बिटवीन 1/4/2021 टू 31/3/2022, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे कभी भी आपका जो है चलेगा। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात करें वो भी इसी तरह से 1/4/2021 से लगा करके 31/3/2022, यानी कि लोग पहले से ही भाग रहे थे कि पहले ही बनवा लें, लेकिन ऐसा कोई पहले से ज़रूरत नहीं थी, बाद में भी आप बनवा सकते हो दोस्तों, बिल्कुल घबराने वाली बात जो है वो नहीं है। हाउ एवर ए कैंडिडेट मस्ट पजेस ऑल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड ऑन द डे ऑफ एक्सेप्टिंग और रिपोर्टिंग। वॉट विल हैपन टू कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपलोडेड एनी डॉक्यूमेंट इन पोर्टल। क्या होगा उस कैंडिडेट का जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेगा। कैंडिडेचर ऑफ ऑल सच कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल्ड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर एलोकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट राउंड। ऐसे जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद। तो ये थे आपके क्वेश्चन और आंसर साथ साथ में। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछे दोस्तों। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।